मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स मोनिका की मौत की गुत्थी से 10 दिन बीतने पर भी नहीं सूझ पाई है। मेडिकल कॉलेज में बार सिस्टर की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई मोनिका के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। मृतक मोनिका के परिजनों ने इससे पहले भी बार सिस्टर के द्वारा तंग करने की बात को बताया है। वही परिजनों ने पुलिस पर भी दबाव में आकर जांच करने और बार सिस्टर को बचाने का आरोप लगाया है। मृतका का मोबाइल लॉक 10 दिन बीतने पर भी नहीं खुलने पर भी परिजनों ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए। मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स मोनिका की आत्महत्या मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाने पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। मृतका मोनिका के परिजनों ने आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बार सिस्टर को बचाने के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोपी बार सिस्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ गिरफ्तार करने की भी मांग की है और इसी के चलते परिजन एएसपी विजय सकलानी से भी मुलाकात की है। मृतका मोनिका की माता गुरु प्यारी देवी ने बताया कि करीब 2-2.5 महीने पहले मोनिका ने स्टाफ के द्वारा जाति सूचक शब्दों से बुलाने के साथ प्रताड़ना करने की बात कही थी, लेकिन उसमें लगा कि वह कभी कभार ऐसा होता होगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही मोनिका का परेशान होकर आत्महत्या करने से सभी सन हो गए। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले ऐसा पता लगने पर सोचा था कि अगर दोबारा ऐसा बार सिस्टर करेगी तो शिकायत करेंगे, लेकिन शिकायत करने से पहले ही मोनिका ने आत्महत्या कर ली। वही मृतका के पति ने कहा कि 8-10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की पड़ताल पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अभी तक मृतक मोनिका का मोबाइल लॉक भी नहीं खुल पाया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द मामले में शामिल बार सिस्टर का गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने बताया कि हर वक्त काम के लिए गलती निकालते रहते हैं, जिस पर मोनिका परेशान रहती थी। 2-2.5 महीने पहले ज्यादा प्रताड़ना होने पर घर में बात हुई थी, लेकिन बाद में फिर ठीक हो गया था। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मामले में पुलिस जांच पड़ताल जल्द करे ताकि इंसाफ मिल सके। अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर में गुरुवार को वार्षिक उत्सव आगाज हो गया है। इसमें कक्षा पहली, चौथी, आठवीं और दसवीं के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के 22 चांसलर प्रोफेसर एस वी बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिम अकेडमी विकास नगर का ये कार्यक्रम चेयरमैन प्रोफेसर आर सी लखनपाल से चेयरमैन सी पी लखनपाल डॉक्टर हिमांशु शर्मा के दिशा निर्देशन में विधिवत रूप से संपन्न हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्य लैना लखनपाल ने उपस्थिति अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्रों ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजय प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इनमें शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन करने वाली छात्रा इशिता चोपड़ा, अमाया चौहान, सेवी आस्था ठाकुर और रूपी कानवो को सम्मानित किया गया। अंडर 14 लड़कों के एथलेटिक टूर्नामेंट में दी मैग्नेट पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्रों ने ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा करते हुए एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। इस प्रतियोगिता में लड़कों में 9वीं कक्षा के गौरव राणा ने 400 मीटर में रजत, 600 मीटर में रजत और 500 मीटर में स्वर्ण, 8वीं कक्षा के अमित ने 500 मीटर में स्वर्ण, 8वीं कक्षा के हरिओम ने लंबी कूद में स्वर्ण, 200 मीटर में कांस्या और रिले रेस में स्वर्ण और कक्षा के ओम राणा ने 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। इस मौके पर स्कूल प्रधानाचार्य अरुण चौहान ने छात्रों को बधाई दी और साथ में कोच नीलेश ठाकुर की भी काफी सराहना की। गत दिनों मेडिकल कॉलेज में तैनात स्टाफ नर्स मोनिका के आत्महत्या मामले को लेकर हमीरपुर डिग्री कॉलेज बार स्कूल के छात्र भी सड़कों पर उतरकर न्याय के लिए प्रदर्शन करने में लग गए हैं। वहीं दोपहर के समय मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स आत्महत्या मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर हमीरपुर डिग्री कॉलेज के SFI छात्रों ने बाजार में रोष रैली निकाली और मृतका मोनिका के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की।
एसएफआई के छात्रों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग लगाई है। मृतका मोनिका के भाई विशाल ने कहा कि मृतका मोनिका की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, इसलिए अब कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि गत सप्ताह ही स्टाफ नर्स मोनिका ने वारल गांव में किराए के मकान में पंखे से लटकर अपनी जान दे दी और सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें बाढ़ सिस्टर को आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। वही मामले में परिजनों ने बोटा चौक पर शव को रखकर भी काफी देर तक न्याय की मांग की थी, लेकिन इतने दिन बीतने पर भी पुलिस के द्वारा पड़ताल ही किए जाने पर कॉलेज के छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। अर्की उपमंडल के राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दारलागढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में आईजीएमसी के डॉक्टरों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्कूल प्रबंधन समिति व क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। प्रधानाचार्य इंदु शर्मा ने रक्तदान करने की बात जानकारी देते हुए बताया कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है और इस महादान से जरूरतमंदों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्कूल द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, वहीं अन्य रक्तदानियों ने भी इस महादान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और युवा पीढ़ी से भी रक्तदान करने का आह्वान किया।